अभी की संस्कृति चल रही है, जैसे कि भारत पाश्चात्य संस्कृति की ओर ज़्यादा जा रहा है, तो आपको लगता है कि क्या इससे हमारी जो रूट्स हैं वो नहीं होंगी, नहीं रह जाएंगी, कुछ ऐसा लग रहा है, या किस वजह से आपने? ज़रूर डर लगता है। देखिए, बहुत से बड़े बड़े सिविलाइजेशंस आज कहाँ हैं। जो एक रोमन सिविलाइजेशन होता था, एक ग्रीक सिविलाइजेशन होती थी, जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन, एजटेक सिविलाइजेशन, ये कहाँ हैं आजकल? म्यूजियम्स में हैं। मुझे कई बार डर लगता है कि शायद हमारा ना हो जाए ऐसे, क्योंकि क्या होता है ना, गहरी चीज़ों में ये दिक्कत है कि वो दिखाई नहीं देती हैं, सामने नहीं दिखाई देती हैं। तो जब तक हम ट्रेनिंग नहीं देते, बहुत रिगरस ट्रेनिंग, कि आप अंदर जाइए, तब आपको जब छूता है तब ऐसे हो जाते हैं। पर वो समय लोग आज देना नहीं चाहते इतना, क्योंकि आज हो गया ट्विटर का ज़माना, आज हो गया फेसबुक का ज़माना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की का ज़माना। अच्छा, तो आपको लगता है कि क्या फिर ऐसी पाश्चात्य संस्कृति को फिर नहीं अपने नहीं अपनाना चाहिए? नहीं 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 नहीं, नहीं। पाश्चात्य संस्कृति में तो बहुत कुछ है, एक बैलेंस होना चाहिए। हमने जो सब कुछ सीखा है, जो भी थोड़ा बहुत डेल्टा डेल्टा टेंडिंग टू ज़ीरो जो सीखा है अपने सब्जेक्ट में, वो सारा अमेरिका से सीखा है। और क्या उनका रिसर्च टेम्पर है, क्या वो करते हैं रिसर्च में, वाह क्या बात है। देखिए, अभी ये सारी चीज़ें, ये जो आपका माइक सिस्टम, ये कहाँ से आया है? आप देखिए, यहाँ आप एक कमांड लगाएंगे तो रोवर जो मार्स में है, एक फुट बाएं को चला जाएगा। आप सेलफोन यूज़ करते हैं, टिम्बकटू को कॉन्टैक्ट कर सकते, ये कहाँ से आया है? सब वेस्ट से तो आया है। हम वेस्ट का तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, परंतु उसको खाली वेस्ट को रखोगे तब नहीं चलेगा। इट हैज़ टू बैलेंस, मतलब वेस्ट के साथ हमारी अपनी सभ्यता को भी, संस्कृति को बैलेंस होना चाहिए, रखना जरूरी है, जरूरी, तभी हम विकासशील से विकसित हो पाएंगे। बिल्कुल। मैंने ये सीखा कि ये मुझे पहले पता नहीं था ये क्या इसका महत्व है, पर इससे ये मैंने देखा कि जब मैं इसके साथ कुछ जुड़ा, मैं ये जो शास्त्रीय संगीत हमारे संस्कृति के साथ, केवल शास्त्रीय संगीत नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, मैं हठ योग, ध्यान, हमारी जो लोक कलाएं, ये सारी चीज़ों में एक ही उद्देश्य है, वो है अपने आप को अपने अंदर के साथ जुड़ना, जिसे हम बोलते हैं योग, ठीक है ना। और उससे क्या होता है कि आपका जो कंसंट्रेशन जो है वो बिल्कुल एकाग्र हो जाता है।